अक्सर रेल की दुनिया में आपने सुना होगा कि प्रेमी अपनी प्रेमिका के लिए सात समंदर पहुंच गया, जबकि हकीकत में ये एक सपने जैसा ही है। अगर हम जिगर के शहर मुरादाबाद की बात करें तो मुरादाबाद के एक छोरे ने रेल की दुनिया को हकीकत में बदल कर रख दिया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मुरादाबाद के इस युवक दिवाकर की, जो अपने प्यार की खातिर ईरान तक जा पहुंचा और अब अपनी चाहत के साथ ईरानी कानून के अनुसार निकाह पढ़कर वापस हिंदुस्तान लौट रहा है। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद के रहने वाले दिवाकर कुमार, जो कि एक यूट्यूबर हैं, हाल फिलहाल में वो अपनी प्रेम कहानी को लेकर इन दिनों चर्चा का विषय बने हुए हैं। दिवाकर की दोस्ती इंस्टाग्राम पर ईरान की फैजा से हो गई। शुरुआत में दोनों दोस्त थे और उसके बाद दोस्ती प्यार में बदल गई, जिसके चलते दिवाकर ने ईरान जाने का फैसला लिया। 27 जुलाई 2023 को दिवाकर ईरान को रवाना हो गया, जहां उसने फैजा के परिवार से मिलकर शादी का प्रस्ताव रख दिया। शुरुआत में फैजा के माता पिता ने इनकार किया, पर दोनों के प्रेम के आगे वो झुक गए और शादी के लिए मान गए। उसके बाद दोनों ने ईरान की सरकार से शादी की परमिशन ग्रहण की और दिवाकर वापस लौट आया। कुछ दिन बाद ही फैजा अपने पिता के साथ 14 मार्च 2024 को मुरादाबाद आ पहुंची। दोनों ने मुरादाबाद में पूरे रीति रिवाज, वो भी हिंदू रीति रिवाज से सगाई की, रस्में अदा की और कुछ महीनों बाद यानी कि 7 मई को दिवाकर और फैजा ईरान रवाना हो गए, जहां दोनों ने ईरान के रीति रिवाज के अनुसार 4 जुलाई को शादी कर ली। शादी से पहले दिवाकर की मेहंदी की रस्म हुई, जिसको ईरान में हैना बंदून कहते हैं। फैजा और दिवाकर दोनों ने एक दूसरे के हाथ में एक दूसरे का नाम मेहंदी से लिखवाया और एक दूसरे को अंगूठी पहनाई, शादी की रस्म को मुकम्मल किया। दिवाकर ने बताया कि वो 6 अगस्त को भारत पहुंच रहे हैं, जहां वो भारतीय संस्कृति के अनुसार फैजा संग शादी को संपन्न करेंगे। दिवाकर का पूरा परिवार फैजा का स्वागत करने को बेताब है और बेसब्री से इंतजार कर रहा है। नमस्कार, मेरा नाम दिवाकर है। नमस्ते, मेरा नाम फैजा है। और जैसे कि आप जानते हैं, मैं ईरान में हूँ और मेरी और फैजा की ईरान के रीतों रिवाज से 4 जुलाई को यहाँ पर शादी संपन्न हुई। मैं पेशे से यूट्यूबर हूँ और मैं पहले ट्रेवल व्लॉग्स करता था, तो इसी कारण से मैं लोगों से एक्चुअली बातें करता रहता था। तो 3 साल पहले मेरी और फैजा की मुलाकात इसी कारणवश इंस्टाग्राम पे हुई। और पहले मैंने ईरान के बारे में, मुझे ईरान घूमना था तो मैंने ईरान के बारे में फैजा से जाना, फिर वो दोस्ती हो गई और दोस्ती प्यार में बदल गई, पता ही नहीं लगा। और फिर मैंने फैसला किया सन 2023 में कि मैं ईरान आके फैजा के पेरेंट्स से मिलूँगा। तो 27 जुलाई को मैं ईरान में आया और फैजा के पेरेंट्स से मिला, जहाँ मैंने शादी का प्रस्ताव रखा और उन्होंने मना कर दिया। लेकिन हम दोनों ने बहुत उन पर प्रेशर डाला, मतलब प्यार से प्रेशर डाला, और वो मान गए। फिर हमने ईरान के कानूनी प्रक्रिया को पूरा करा और यहाँ की गवर्नमेंट से हमने अप्रूवल ले लिया। फिर मैं वापस आ गया था सितंबर में और फिर फैजा को आना था मार्च में हिंदुस्तान। तो फैजा अपने पिता के साथ, यानी कि पिता यहाँ पे बाबा बोलते हैं, तो बाबा के साथ वो मुरादाबाद आई। पहले दिल्ली एयरपोर्ट पे आई थी वो 14 मार्च को, और फिर उसी दिन वो मुरादाबाद पहुँची, और जहाँ हमने रिंग सेरेमनी करी थी। और ये जो रिंग पहन रखी है फैजा ने, ये उसी टाइम की है। और उसके बाद मैंने फैजा को हिंदुस्तान का कल्चर दिखाया, हिंदुस्तान के तौर तरीके। उनके फादर ने मेरी फैमिली से मुलाकात करी, हम लोगों को उन्होंने समझा और ज़्यादा उनको संतुष्टि हुई। फिर उन्होंने कहा कि अब वो शादी करना चाहते हैं। पहले ईरान के तौर तरीके हम लोगों को उन्होंने समझा और ज़्यादा उनको संतुष्टि हुई। फिर उन्होंने कहा कि अब वो शादी करना चाहते हैं पहले ईरान के तौर तरीकों से। तो मैं इसी साल और मई के महीने में 7 मई को कुवैत के रास्ते ईरान पहुंचा, तेहरान, ईरान की राजधानी। और फिर तेहरान से हम लोग हमदान आ गए थे, और हमदान में
हमने फिर जो छोटी सी रस्में होती हैं, जैसे कि एक मेहंदी की यहाँ पे रस्म होती है हाना बांदून, हमने वो करी और फिर उसके बाद हमने 4 जुलाई को यहाँ पर शादी कर ली। मैं फायजा से कहूँगा कि वो कुछ बोले अबाउट द मैरिज एंड ऑल दैट। Okay, so it's about some days that we held our marriage celebration, both Hanuman and even wedding celebration. So based on according to Iranian traditions and rules, we right now we are husband and wife, and soon we are supposed to come to India. तो हाँ, जैसे कि फायजा ने बताया, अब 6 अगस्त को हम इंडिया आ जाएंगे और वहाँ हम अपने रीतो रिवाज से, अपने ट्रेडिशन से, कल्चर से, सनातन परंपरा से शादी को जो है संपन्न करेंगे। इसमें मेरे परिवार के सभी सदस्य शामिल होंगे, साथ ही ईरान से फायजा के पेरेंट्स आएंगे और कुछ रिलेटिव्स आएंगे, और तब जाके हमारी शादी हिंदुस्तान में भी वैध हो जाएगी, मान्य हो जाएगी, और तब हिंदुस्तान के कानून में भी, हिंदुस्तान के कानूनी तरीके से भी हम पति पत्नी जो है हो जाएंगे। धन्यवाद।